बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। अभी भी जानकारी मिली कि आप फिर से भोजपुरी में आप कम बैक कर रहे हैं, पिक्चर का नाम है तेरी आंखों में वो जादू है। भोजपुरी को मैं हमेशा मिस किया हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मैं भोजपुरी कर रहा था तो एक ही पैटर्न की फिल्में बन रही थी, ठाकुर और डांस और आइटम सॉन्ग, जो मुझे करने में अच्छा नहीं लग रहा था। 40 फिल्में कर चुका था, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था कि हिंदी फिल्म करूँ। बट भोजपुरी का हूँ, मेरी माँ भोजपुरी की हैं, तो ये तो मेरे खून में है, ये तो कभी मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तो भोजपुरी तो मुझे करना ही था। तो वापस जब मुझे कमबैक करना था, ये कोविड के चक्कर में मैं अपनी हिंदी फिल्म ढंग से रिलीज़ भी नहीं कर पाया, तो कमबैक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। और अभी एक बहुत अच्छा दौर आ रहा है, समझिए कि भोजपुरी का तीसरा दौर आ रहा है। पहला दौर गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ी बो और वो सब मूवीज़, विदेशिया ऐसी फिल्में, दूसरा दौर जो फैमिली जिससे दूर रहीं, अब तीसरे दौर से फैमिली जुड़ेंगी, जैसे ये फिल्म है तेरी आँखों में वो जादू है। ये सब फिल्में हम अपने परिवार के साथ देख सकते हैं और मुझे भी करने में बहुत अच्छा लगेगा। और भोजपुरी के स्तर को हम बाकी किसी भी हिंदी के स्तर से हम कंपेयर कर सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि अब इससे फैमिली ऑडियंस जुड़ेंगी। तो तीसरे दौर में आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, वही प्यार और आशीर्वाद जो आपने मुझे पहली फिल्म में दिया था भोजपुरिया भैया में। आज मेरा एक्साइटमेंट वही है जो मेरी पहली फिल्म में थी। ये मेरी कमबैक फिल्म में इतना अच्छा स्टारकास्ट मिला है, इतना अच्छा बैनर मिला है, तो मैं वही फील कर रहा हूँ, वही एक्साइटमेंट जो मैं भोजपुरिया भैया में फील कर रहा था, और वही प्यार आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। इस फिल्म में सभी सुपरस्टार्स हैं, विनय आनंद जी हैं, रानी चटर्जी, पाखी हेगड़े जी, गुंजन पंजी, प्रिंस सिंह राजपूत, ब्रजेश त्रिपाठी जी, और बैनर सबसे देखिए आपकी जितेश दुबे जी का, जिनके साथ में हम ब्रिजवा एक सुपरहिट दे चुके हैं, तो ये टीम तो ऑलरेडी सुपरहिट दे चुकी है, तो सुपरहिट का तो एक है ही है ये टीम में। एक जितेश जी सबको साथ में लेकर चलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कलाकारों के साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सभी डाउन टू अर्थ हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए तो बहुत इंजॉय किए, ऐसा ही इंजॉयमेंट पूरे शूटिंग में चलेगा। भोजपुरी में लॉकडाउन का पहली फिल्म का मुहूर्त हुआ है, कैसा लग रहा है आपको माहौल है? मुझे अच्छा ये लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म का मुहूर्त हुआ है। फिल्में बहुत किया हूँ, पर्दे पर देखने का शौक तो पूरा हो चुका है, बट अब अच्छी फिल्में करनी है, जो मैं तीसरे अपने मेरी दूसरी दौर में जो मैं आया हूँ, सिर्फ ये ठान कर आया हूँ कि अच्छी फिल्में करूँगा। अच्छी फिल्में मतलब जो पूरे परिवार के साथ जो सब लोग देखें, और भोजपुरी के ऊपर एक जो दाग लगता है कि उसमें वल्गारिटी होती है, ऐसी फिल्में हमें नहीं करनी है, पहले भी नहीं किया था। और अब मुझे सबसे साथ मिल रहा है, सब लोग अब चाह रहे हैं कि सैटेलाइट के लिए अच्छी फिल्में बने, सब में अवेयरनेस आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पहली फिल्म शुरुआत हो रही है वो एक अच्छी फिल्म से हो रही है, जो समाज के, जो हमारे भोजपुरी समाज के, जो एक भोजपुरी फिल्म का एक जो दायरा है कि जो लोगों ने बना दिया था, एक विज़न बना दिया था, एक लोगों के मन में डाल दिया था कि भोजपुरी फिल्म का पैटर्न ऐसा होता है, वो ऐसी फिल्मों से चेंज होंगी। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म का मुहूर्त नहीं हुआ है, समझिए कि एक पूरे भोजपुरी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक फिल्म बनी है। पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, और पॉलिटिक्स में काफ़ी जो लॉकडाउन पॉलिटिक्स हुआ है, मनोज जी और रवि किशन का मांग है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, खास करके एल्बमों के लिए सेंसर बोर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अश्लील गाने काफ़ी मार्केट में आते हैं। बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज क्या है, हम लोग भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, कोई भी अच्छा महसूस नहीं करता है। देखिए हमारी भोजपुरी की वही संस्कृति, वही सभ्यता, वही कल्चर, वही बैकग्राउंड है जो हिंदुस्तान के बाकी कल्चर में है, बट बाकी किसी भी लैंग्वेज में ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। ये भोजपुरी में ही क्यों बनती है, ये सोचकर मैं भी दुखी होता हूँ। ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टाइटल्स देते हैं अपने गाने को जो कि हमारे संस्कार को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वैसा हम क्यों लोगों के सामने लाएं? और कहीं की भी जो मीडिया होती है, कहीं के भी जो गाने होते हैं जब बजते हैं, उससे हमारे संस्कार को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जो कि बहुत बुरा एक जा रहा है जो लोगों के सामने, और जो गलत जा रहा है तो वो सही जाए। और होता क्या है कि थोड़े से पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ गायक ये ऐसे गाने गा देते हैं जो कि सुनने में बहुत ही अभद्र, बहुत ही, मतलब अभी बोलने में भी मुझे शर्म आएगी। गायकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
बाबू थोड़ा सा मेहनत करो, ये सच्ची पब्लिसिटी के पीछे मत पड़ो, सक्सेस मिलेगा, मेहनत करो। मेरी ही फिल्म देखो ना, 40 फिल्म कर लिया, एक भी ऐसा गाना बता दो जहाँ पर कोई वल्गैरिटी हो। तुमने इतना मेहनत किया, इतना करते हो, लास्ट में क्या मिलता है? गाली मिलती है, 10 लोग पसंद करेंगे तो 20 लोग गाली देंगे, इससे क्या मिलेगा बताओ? अपने परिवार, अपने संस्कार को सोचो। तुम खुद चाहोगे कि वैसी फिल्म अपने परिवार के साथ देख सको, वैसा गाना तुम अपने परिवार के साथ देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, तो क्यों ऐसा काम करते हो यार? बिहार के हो, बिहार की शान बनो। भोजपुरी भी कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो टॉप में हैं, वो भी ये अश्लीलता गाना गाने से दूर नहीं रहे, उन सेलिब्रिटी को कुछ करना चाहते हैं? मजबूरी में कर लिए होंगे, शुरुआत में कर लिए होंगे, बदलना हर कोई चाहता है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में भी होगा कि शायद सक्सेस ऐसा ही मिलता हो। आज मैं रवि किशन जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा है, उन्होंने माफ़ी मांगी है लहंगा उठा ले रिमोट से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर जाने अनजाने गलती हो गई तो चलिए दर्शक भी माफ़ करते हैं, वो भी जानते हैं हम सब भाई कलाकार हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, बट अब नहीं, अब एक ठान लेना है, एक साथ भोजपुरी समाज को आगे उठाने के लिए ठान लेना है और इसके लिए भिड़ जाना है। और अगर हम सब लग गए, आप लोग तो सुपरस्टार हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं होगा। जब आपने ऐसे अश्लील गाने तक को प्राथमिकता देकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जिससे आपके फैंस फॉलो करने लग गए, तो जब आप अच्छे गाने गाएंगे तो आपके फैंस वो भी हिट करा देंगे, भोजपुरी का एक अलग से नाम हो जाएगा। जी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, किस पोस्ट पर हैं और किस पार्टीज के? जी मैं NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन ही इसलिए किया हूँ कि मैं अपने भोजपुरी भाइयों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि जब एक माहौल आया था यहाँ पर, जब भोजपुरी के लोग बहुत घबरा गए थे किसी एक पार्टी के व्यवहार की वजह से, लोग यहाँ से मुंबई छोड़कर पलायन कर रहे थे, तभी मैं ठाना था कि मैं आऊँगा और अपने भोजपुरी भाइयों के लिए कुछ करूँगा। तो एक पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे आज एक बात बताई है, एक भोजपुरी एक कलाकार को इतना बड़ा पद दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और वो पार्टी ऐसी है कि सबको साथ में लेकर चलती है। आज तक NCP के किसी भी लीडर को आप नहीं सुनेंगे कि उन्होंने कभी भी किसी भी निगेटिव स्टेटमेंट दिया हो भोजपुरी के बारे में या किसी भी समुदाय के बारे में। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज देखिए वैक्सीनेशन कराना था, काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आता था, ऑक्सीजन बेड्स के लिए मुझे फ़ोन आता था, तो मैं बहुत कुछ कर पाया अपने लोगों के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मैं किसी काम आ पाया। राजनीति का जो मेरा ध्येय था कि मैं सेवा कर सकूं, वो मैं अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए मुंबई जैसे शहर में रहकर वो मैं कर पा रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। भोजपुरी में काफ़ी लोगों ने BJP ज्वाइन किया है, आप एक अलग पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो क्या कुछ सेवा करने का और इच्छा है? कोई रूल तो नहीं है, देखिए वो अपने हिसाब से अपना सेवा करना चाहे होंगे, पहले भोजपुरी के पहले वो किसी और भी पार्टी में थे, तो कोई ऐसा ठप्पा तो नहीं है कि मैं सब जा रहे हैं भोजपुरी के लोग BJP में तो मैं भी जाऊं। मेरा जो ध्येय था सेवा करना, आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं BJP से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पार्टी की वजह से हुई है या उनकी कोई गलती है। आज देखिए ये जो वैक्सीनेशन को लेकर इतना सारा उन्होंने बाहर भेज दिया, आज का वो समय नहीं है कि मैं किसी की शिकायत करूँ या कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूँ, बट ठीक है, मैं खुश हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो खुश हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो ठीक है। हम सबका ध्येय एक ही है कि समाज की सेवा करना है, कहीं ऊपर नीचे होती रहती है पार्टी की वजह से तो कोई बड़ी बात नहीं है। दर्शकों को यही बोलेंगे कि दर्शक लोगों का प्यार और समर्थन मुझे वही चाहिए, वही भोजपुरिया भैया आपके बीच में एक अलग रूप में आ रहा है, तेरी आंखों में वो जादू है मूवी के साथ में, तो मुझे वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही समर्थन चाहिए जो आप लोगों ने दिया था। आप लोगों ने एक नए आदमी को जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसको अर्श से कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फर्श से अर्श तक पहुँचाया है, मतलब मुझे एक स्टार बनाया। पहली फिल्म से ही मुझे एक सफलतम प्रोड्यूसर, सफलतम डिस्ट्रीब्यूटर, सफलतम कलाकार बनाया, और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो क्या नहीं हो जाता है, सत्ता पलट जाती है, तो मैं तो एक कलाकार हूँ, तो वही प्यार आशीर्वाद समर्थन दीजिए सुदीप पांडे को जो आपने पहली फिल्म में दिया था। और समझिए कि कमबैक मैं आपके लिए कर रहा हूँ और कुछ संदेश लेकर आऊँगा, आगे मेरी फिल्मों का कारवां ऐसा ही चलता रहे, यही मुझे आपसे प्यार और आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।